दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है जिसका आपको करीब करीब एक हफ्ते से इंतजार है कि भाई कब आएगा पीजीबीपी का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इनकम के बारे में समझ चुके हैं, दूसरा कब आएगा तो उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। विद इन टू डेज के अंदर आपके पास वो आ जाएगा, उसमें आप जानेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये आईटीआर का मौसम चल रहा है। 31 जुलाई अनऑडिटेड पर्सन्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए ये लास्ट डेट है आईटीआर भरने की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही पोर्टल में और सिस्टम्स में और सॉफ्टवेयर्स में, उसके बावजूद भी डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। बजट में भी इसका कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। तो दोस्तों इस चक्कर मत रहना कि डेट तो बढ़ जाती है और हम जो है बाद में भर देंगे 31 जुलाई के बाद, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा और आप कन्फ्यूज हैं तो आईटीआर भरने के लिए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम और वाजिब रेट में हम आपका आईटीआर बहुत कम समय में 31 जुलाई तक भर देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्यों आपको हमसे भरवाना चाहिए या क्यों एक प्रोफेशनल से भरवाना चाहिए, क्यों आपको नहीं भरना चाहिए। क्योंकि आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं अज्ञानता में, आपको नहीं पता होता है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं कि हर ट्रांजेक्शन के बारे में बैंक जो है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। आपको कब पता चलेगा, जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आपका बैंक में इंटरेस्ट आ रखा है मान लीजिए 5,269 रुपये, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट कितना है। आप क्या करोगे, या तो स्टेटमेंट पूरे साल का निकालोगे और उसमें एक एक एंट्री चेक करोगे इंटरेस्ट की एंट्री कौन सी है। आज की डेट में UPI और गूगल पे वगैरह से इतना पेमेंट होने लगा है, इतने ट्रांजेक्शन होने लगे हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट निकलेगा कि आपको उसका प्रिंटआउट निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मोबाइल पर आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको नहीं पता होता कि कितना इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आया। इसी तरीके से इंटरेस्ट फ्रॉम FD अकाउंट में भी आपको जानकारी नहीं होती है। उसमें कोई TDS कट गया तो आपको जानकारी नहीं होती जब तक कि आप अपना Form 26S नहीं देखेंगे। तो एक प्रोफेशनल के पास आपको इसलिए जाना चाहिए कि एक प्रोफेशनल आपका आईटीआर तब भरेगा जब वो आपका पूरी डिटेल आपके Form 26S से मिला लेगा, Form 16 से मिला लेगा, 16A से मिला लेगा, और पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशन आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत दिया हुआ है उससे मैच करके आपका आईटीआर भरेगा। उसमें आपको कहीं भी नोटिस आने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी उस प्रोफेशनल की फीस है वो बचाने के चक्कर में आप ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ऐसी 7 कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं होता आपने मिस्टेक करी है, और आप जो है खुश हो जाते हो कि मेरा तो आईटीआर भर गया, फ्री में भर गया, वो फालतू में इतना पैसा मांग रहा था। लेकिन बाद में जब आपके पास नोटिस आता है तो आप परेशान हो जाते हो और फिर आपको अल्टीमेटली प्रोफेशनल की शरण में जाना ही होता है। सो मेरा एडवाइस ये है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द प्रोफेशनल, या तो किसी CA को पकड़ लीजिए, हम भी टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप हमें पकड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आप हमसे आईटीआर भरवाते हैं तो कंसल्टेंसी हम आपको फ्री में भी देते हैं। तो मैं आपको वो 7 कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूं जो आप ना करें अगर आप खुद आईटीआर भर रहे हैं। पहली कॉमन मिस्टेक आप करते हैं इस्टेब्लिशिंग लॉसेस, आप लॉसेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका टैक्स बच जाए। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं वो है चूजिंग द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। आपको पता ही नहीं है कि आपके इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रखा है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, उसमें कुछ शेयर बेच दिए, उससे आपको कैपिटल गेन जनरेट हो गया। कैपिटल गेन जनरेट हुआ तो कौन सा जनरेट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ, यू डू नॉट नो। और आपने ITR 1 फाइल कर दिया Form 16 के आधार पर। तो जनरल कॉमन मिस्टेक है ये कि आप इसको फाइल करेंगे क्योंकि आप तो सैलरीड पर्सन है, और वो तो आप बोलोगे यार मतलब 2,000 रुपये कैपिटल गेन है, वो तो एग्जम्प्टेड है 1,00,000 रुपये तक। अगर उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जम्प्टेड, शॉर्ट टर्म का क्या करोगे। तो ये कॉमन मिस्टेक आपसे होना ही होना है। दूसरी चीज़, आपको नहीं पता है कि इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सोर्सेज से आपको इनकम आ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको आपकी जो इनकम आ रही है वो फॉर्म 16 के थ्रू आपकी कंपनी आपको सैलरी दे रही है, केवल आपको उतना ही पता है। आपके बैंक ने आपको कितनी इनकम दी है, आपकी FD पर आपको कितना मिला, आपके पॉलिसी में कितना पैसा मिला, आपके PF में कितना पैसा गया, कितना इंटरेस्ट आया, वट एवर में भी दिया, इतने सारे इनकम्स आपको मिल रहे हैं, आपको नहीं जानकारी उनके बारे में, तो आप प्रोफेशनल के पास जा करके उसको बोलिए भैया नंबर एक में हमारा ITR भरिएगा, कोई भी इसमें हाइड फैक्ट नहीं करना है, तो आप करेक्ट ITR भरवाने में सक्षम होंगे। चौथी जो मिस्टेक है कैलकुलेशन एरर्स है। आपको नहीं पता है कि कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, कैसे टैक्स किया जाता है, क्या टैक्स स्लैब है। आप गूगल में देख देख करके करेंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी एक कॉमन एरर है। उसके बाद नेगलेक्टिंग एलिजिबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं है कि इनका हमें डिडक्शन मिल सकता है, इनका हमें एग्जम्पशन मिल सकता है, और आपको पता नहीं, आपने वो लिया नहीं, और अन एलिजिबल डिडक्शन और इनका एग्जम्पशन को आप लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। इससे क्या होता है, जब आपकी पोल खुल जाती है कि आपने फेक डिडक्शन लेकर के रिफंड क्लेम किया है या कुछ ITR फाइल किया है, आपने इनकम कम दिखाई है या शॉर्ट दिखाई है, तो इसमें आपके पास नोटिस आना लाजमी है और आपको फिर 200% 300% पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अगर आपने ITR अभी तक नहीं भरा है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए और हमसे फ़ोन पर पूछ लीजिए। उसके पहले हमारे चैनल को, जिसका नाम है लर्न विथ RDP टैक्स अपडेट्स, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और भी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अभी PGBP का हमारा सेकंड एपिसोड आने वाला है जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है कौन कौन से खर्चे अलाउबल हैं, कौन कौन से खर्चे अनअवेलेबल हैं, और कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, कैपिटल टाइप के हैं, कौन से रेवेन्यू टाइप के हैं। तो इन सबको जानने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, नोटिफाइड कर लीजिए, हमारा बेल आइकॉन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो छठवीं आपकी कॉमन मिस्टेक है जो आप कर सकते हो खुद ITR भरने, वो है इनकंसिस्टेंट और मिसमैच्ड इन्फॉर्मेशन। आपका फॉर्म 26 में कुछ TDS कटा है, आप कुछ TDS दिखा रहे हो, आपके AIS में कुछ है, आपको इनकम हुई है फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वगैरह से, और आप कुछ दिखा रहे हो, इस तरीके से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। आपने सीधा सीधा 150,000 दिखा दिया डिडक्शन में ATC में, लेकिन आपके पास कुल अवेलेबल था 140,500 रुपये, तो आपने एक्सेस डिडक्शन ले ली, इसके जुर्म में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो ये इनकंसिस्टेंट और मिसमैच इन्फॉर्मेशन देने की वजह से भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लास्ट है लेट फाइलिंग और नॉन फाइलिंग एटसेट्रा। आप बोलोगे मेरा तो टैक्स ही नहीं बन रहा तो मैं फाइल क्यों करूं? आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, एक बार आपने ITR फाइल कर दिया तो आपका भले ही अगले साल टैक्स नहीं बन रहा या इनकम कम हो गई है, आपको ITR फाइल करना चाहिए। नॉन फाइलिंग ऑफ ITR में आपको परेशानी हो सकती है। लेट फाइलिंग में भी आपको लेट फीस लगेगी, वो आपको पता ही है। बिलेटेड रिटर्न का कम आपको डिपार्टमेंट देता है टाइम, रिवाइज रिटर्न का टाइम देता है, 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें आप भर सकते हो। सो दोस्तों, ये 7 के कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखिएगा अगर आप खुद ITR भर रहे हैं। और अगर आपको ITR भरने में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र का ओनर, आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ITR एकदम क्लियर कट भरा जाएगा, नंबर 1 में भरा जाएगा, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए।